सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं वीकली अपडेट एडमिट कार्ड्स और रिजल्ट्स की, यानी इस हफ्ते में जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं साथ ही रिजल्ट जारी हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी भर्ती एडमिट कार्ड इस हफ्ते जारी हुए हैं। सिंडिकेट बैंक पीओ स्केल 1 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एसएससी वेस्ट रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो एग्जाम होना है एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था उसके लिए एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। बिहार कॉन्स्टेबल पुलिस के लिए पीईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दुर्ग में असिस्टेंट ग्रेड 3 के स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2017 के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एलडीसी टाइपिस्ट जेई इलेक्ट्रिकल और सभी स्टेशन अटेंडेंट के ऑनलाइन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके अलावा बेंगलोर मेट्रो में ग्रेजुएट इंजीनियर सिविल एग्जाम के लिए भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आरआरसी जबलपुर में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सीआरपीएफ में एसएमओ एमओ डेंटल सर्जन एग्जाम 2016 के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ग्रुप सी की जो वैकेंसी आई थी अनट्रेंड की उसके लिए भी, यानी अनस्किल्ड की, उसके लिए भी जारी हो चुके हैं एडमिट कार्ड। इसके अलावा एफसीआई गुजरात वॉचमैन में रिटर्न टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एम्स भुवनेश्वर में नर्सिंग कैडर की जो वैकेंसी आई थी, यानी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उनके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके अलावा सेग्रेनिक कॉलरी कंपनी लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिटर्न टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऑफिसर लाइब्रेरियन और अदर पोस्ट के लिए जो एग्जाम होना है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके अलावा ओएनजीसी में जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर जूनियर सिंगर कम रिगर के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 2017 के लिए स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर जारी हो चुके हैं। आईबी में जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की उसके टीएस 2 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी एलपीएससी में टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी उनके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम के लिए भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एसएससी डिग्री लेवल सिलेक्शन पोस्ट जो थी उनके लिए भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एफसीआई वॉचमैन आंध्र प्रदेश केरला और राजस्थान राज्यों के लिए पीटी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एफसीआई उत्तराखंड में वॉचमैन की वैकेंसी आई थी उसके लिए एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऑफिसर के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आईबीपीएस में रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी आई थी टेक्निकल की उसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की, तो पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की उसके जूनियर अकाउंट ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट के लिए एग्जाम के कॉल लेटर जारी हो चुके हैं। असम पीएससी में असिस्टेंट मैनेजर सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर के लिए इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी में स्टेट सर्विसेज एग्जाम 2017 के प्रीलिम्स के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्जाम के कॉल लेटर जारी हो चुके हैं। गुजरात अधीन सेवा चयन आयोग में लेडी टेलरिंग इंस्ट्रक्टर जूनियर फार्मासिस्ट म्यूनिसिपल सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर कंबाइंड कंप्यूटर मेन एग्जाम 2016 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब बात करें अगर लेटेस्ट रिजल्ट की, तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के ऑफिसर स्किल फर्स्ट और ऑफिसर असिस्टेंट के रिजल्ट जारी हो चुका है। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के ऑफिसर जीएमजी फर्स्ट एमएमजी 2 ऑफिस असिस्टेंट के लिए रिजल्ट जारी हो चुका है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक आरआरबी की जो कॉमन रिटर्न एग्जाम हुआ था 5th उसके लिए ऑफिसर और ऑफिसर असिस्टेंट के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। कैनरा बैंक फाइनेंस के लिए कैन फाइनेंस होम्स लिमिटेड में मैनेजर और सीनियर मैनेजर के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। आरबीआई में जो वैकेंसी आई थी ऑफिस अटेंडेंट की क्लास 4 की उसकी रिजल्ट जारी हो चुके हैं। एसएससी एमपी रीजन में स्टेनोग्राफर सीओडी एग्जाम 2017 के रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा यूपीएससी में लेडी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई थी एडवर्टाइजमेंट 3/2017 द्वारा उसके लिए रिजल्ट जारी हो चुका है। राइट्स लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर सिविल की जो वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। एनआईआरईएच में स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी उसके लिए रिजल्ट जारी हो चुका है। आईपीआई आरटीआई में जूनियर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए रिजल्ट जारी हो चुका है। सीएसएसआरआई में टेक्निकल असिस्टेंट और हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। एरीज में पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए रिजल्ट जारी हो चुका है। एआरआई पुणे में जेआरएफ की जो वैकेंसी आई थी उनके लिए रिजल्ट जारी हो चुका है। सीआईएसएफ में एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा एनआईआर जेएफटी में टेक्निकल असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। सैनिक स्कूल रीवा में जो क्लास 4 की वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा आरआरबी चंडीगढ़ में स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई थी एडवर्टाइजमेंट 3/2014 द्वारा उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। सेंट्रल रेलवे में जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था गुड्स गार्ड के लिए 15% कोटा वाला उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। आईपीएस में सीआरपी स्पेशल 7th स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसके अलावा एसएससी ईस्ट रीजन में डिप्टी रेंजर की वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। यूपीएससी में स्पेशलिस्ट ग्रेड
थर्ड मैक्रो वैल्यू एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2017 का रिजल्ट जारी हो चुका है। एम्स रायपुर में एलडीसी की जो वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। ईएसआईसी फरीदाबाद में एमटीएस की जो वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। ईएसआईसी नई दिल्ली में एनओ फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। बात करें आईओसीएल रिसर्च ऑफिसर ग्रेड वन की तो उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा आईएसीआर कोलकाता में एनिमल केयर टेक्निकल और हाउसकीपिंग स्टाफ की वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है। सीडेक नोएडा में प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जीएमई की वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। एफसीआई महाराष्ट्र में वॉचमैन की वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा जिपमेर में रिसर्च एसोसिएट सेकंड और प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सोशल वर्कर का रिजल्ट जारी हो चुका है। वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर वीसीआरसी में साइंटिस्ट ग्रेड बी का रिजल्ट जारी हो चुका है। कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है। कैंट बोर्ड अमृतसर में किलर को सफाई वाला का रिजल्ट जारी हो चुका है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में एएमएम ग्रेड बी का रिजल्ट जारी हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश पीएससी में जूनियर स्पेशलिस्ट 2017 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा बिहार पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्शन गायनोकोलॉजी का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार पुलिस में लेडी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। जीएमसी चंडीगढ़ में फैकल्टी की जो पोस्ट आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। गुजरात हाईकोर्ट में डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और इंग्लिश एंड गुजराती स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। गुजरात पीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर बायोलॉजी का रिजल्ट जारी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश एसएससी में हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जूनियर ऑफिसर का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा झारखंड एसएससी में झारखंड पुलिस लिमिटेड जो एग्जाम हुआ था डिपार्टमेंटल एग्जाम उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा केरला हाईकोर्ट में सीनियर ऑफिसर टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपर का रिजल्ट जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड यानी मध्य प्रदेश व्यापम में कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल ड्राइवर और हेड कॉन्स्टेबल का रिजल्ट जारी हो चुका है। ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी और ऑफिसर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है। टीएसएससी में सुपरवाइजर ग्रेड थर्ड फीमेल का रिजल्ट जारी हो चुका है। वही छत्तीसगढ़ व्यापम में छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर और एफआईसीएस का रिजल्ट जारी हो चुका है। हरियाणा एसएससी में डिस्पेंसर होम्योपैथी का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं हरियाणा पीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिजल्ट जारी हो चुका है। जम्मू हाईकोर्ट में ड्राइवर की जो वैकेंसी थी उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। पंजाब पीएससी में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का रिजल्ट जारी हो चुका है। पंजाब पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी आई थी उनका रिजल्ट भी आ चुका है। वहीं राजस्थान पीएससी में यानी आरपीएससी में क्लर्क ग्रेड सेकंड एग्जाम 2013 का रिजल्ट जारी हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में एसएससी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं त्रिपुरा पीएससी में एग्रीकल्चर ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2016 का रिजल्ट जारी हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको जानकारी मिली होगी। और हर फ्राइडे को हम आपके लिए लेटेस्ट एडमिट का जो वीक में जारी हुए हैं और लेटेस्ट रिजल्ट्स का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिसको आपको पता चल सके कि इस सप्ताह कौन से एडमिट कार्ड जारी हुए और कौन से रिजल्ट जारी हुए। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपके कुछ सुझाव हैं तो भी आप हमें सब कुछ दे सकते हैं। धन्यवाद।